हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा एंड रिव्यूज़। इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं विक्रांत रोना फिल्म का, जो कि सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। मैंने इसका हिंदी वर्जन देखा है 3D में। तो कैसी है साउथ की तरफ से आई एक और पैन इंडिया मूवी, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फिल्म जो है वो एक फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर है। ये KGF की तरह कोई मसाला एक्शन फिल्म नहीं है। इसमें भी एक्शन है लेकिन वो लिमिटेड है। फिल्म की जान जो है वो है इसका सस्पेंस। फिल्म का क्लाइमैक्स ही है जो इसे डूबने से बचा लेता है। तो फिल्म की कहानी फोकस करती है एक घने जंगल के बीच बसे एक गांव कमरट्टू पर, जहां हमेशा बारिश होती रहती है। एंड गांव में जो है वो लगातार मर्डर्स हो रहे हैं। गांव के लोगों का मानना है कि ये काम ब्रह्म राक्षस कर रहा है। एक पुलिस वाला भी इसकी जाँच में होता है, उसकी भी लाश मिलती है। इसके बाद किच्चा सुदीप के किरदार विक्रांत की एंट्री होती है, जो इन मर्डर्स की जाँच करता है। वहीं फिल्म में एक परिवार दिखाया है जिसके ऊपर मंदिर में चोरी का झूठा आरोप है। इस कारण से इस परिवार को काफ़ी सताया जाता है। तो ये परिवार जो है वो श्राप देता है कि जिसने भी उनके साथ अन्याय किया है उनका वंश खत्म हो जाएगा। तो क्या इसी परिवार के श्राप से तो ये हत्याएं नहीं हो रही हैं, या वाकई कोई ब्रह्म राक्षस है? तो फिर किस तरीके से ये पूरी मिस्ट्री सॉल्व होती है, ये तो आप फिल्म देख कर ही जान पाएंगे। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि फिर वो स्पॉइलर हो जाएगा। तो यार, फिल्म का जो ये मिस्ट्री वाला पार्ट है ना, वो वाकई बढ़िया है। पूरी फिल्म में एक मिस्ट्री एंड सस्पेंस बरकरार रहती है। एंड बीच बीच में जो हॉरर एलिमेंट्स डाले हैं एंड जो जंप स्केयर्स आते हैं वो वाकई अनएक्सपेक्टेड होते हैं। वो जब आते हैं तो वाकई आप हिल जाते हो। ज़्यादातर फिल्म जो है वो अंधेरे में ही चलती है, यानी कि फिल्म में हमें ज़्यादातर अंधेरा ही देखने को मिलता है, जो कि कहीं कहीं कुछ सीन्स में मज़ा नहीं देता है। क्योंकि मैंने 3D में देखी है तो उसमें मुझे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा था, जिससे समझ में नहीं आ रहा था कि सीन में आखिर क्या चल रहा है, इतना स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा था। बाकी फिल्म की सिनेमेटोग्राफी बढ़िया है, विजुअल्स भी अच्छे लगते हैं देखने में। बट फिल्म की लेंथ मेरे को ज़्यादा लगी, 2.5 घंटे की ये फिल्म है, जो कि शुरुआत में ही आपके सब्र की परीक्षा ले लेती है। फर्स्ट हाफ इतना खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे। किच्चा की एंट्री के अलावा कुछ भी दमदार सीन नहीं है फर्स्ट हाफ में। एंड जो गाने हैं वो भी कुछ खास नहीं है। गाने एक तरीके से बोर करते हैं पूरी फिल्म में। बस वो रा रकम्मा थोड़ा ठीक लगता है, बाकी सारे गाने फोर्स्ड फील ही होते हैं। तो फर्स्ट हाफ इतना जमा नहीं मुझे, लेकिन फिर इंटरवल से पहले जो सीक्वेंस आता है एंड सेकंड हाफ में जब फिल्म पहुंचती है तो फिल्म इंटरेस्टिंग लगने लगती है। जब इस मिस्ट्री की परतें खुलना स्टार्ट होती हैं तो फिल्म में कुछ जान आती है। और जो फाइटिंग सीन वगैरह भी हैं फिल्म में वो भी बढ़िया थे इस समय। एंड फिर आती है फिल्म के लास्ट 15 मिनट, यानि कि क्लाइमैक्स, जो कि सबसे अच्छी चीज़ थी इस फिल्म की, जहाँ पर जब ये सस्पेंस खुलता है वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल तो होता ही है। और एक तरीके से यही है जो पूरी फिल्म को कहीं ना कहीं डूबने से बचा लेता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया। बाकी बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो किच्चा सुदीप का काम बढ़िया है विक्रांत रोना के रोल में। उनका डायलॉग डिलीवरी देखकर कहीं कहीं मेरे को चुलबुल पांडे का याद आ गया। बाकी ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस मेरे को अच्छा लगा। इसके अलावा जैकलिन की बात की जाए तो उनका रोल बस हिंदी ऑडियंस को लुभाने के लिए ही डाला गया ऐसा लगता है। अगर ये रोल ना भी होता तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता कहानी या स्क्रीन प्ले में। मेरे हिसाब से तो नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा निरूप भंडारी और नीता अशोक का काम भी ठीक है। एंड इनकी जो लव स्टोरी का जो पार्ट दिखाया है वो भी अननेसेसरी सा ही लगता है कहानी के हिसाब से। तो इन सब क्लीशे को ना पकड़ती ये फिल्म एंड विक्रांत के कैरेक्टर को भी एकदम लार्जर देन लाइफ किरदार की जगह एक नॉर्मल कैरेक्टर रखती तो ये फिल्म एक मजबूत फिल्म बनकर उभरती। क्योंकि फिल्म की स्टोरी में पोटेंशियल था एंड फिल्म की लेंथ भी 2 घंटे के आसपास होती तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो अगर आपको मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी वाली फिल्में देखना पसंद है तो ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप केवल एक्शन एंड मारधाड़ देखने के मूड से जा रहे हैं तो आप यहाँ पर निराश हो जाएंगे और फिल्म आपको बोर भी लग सकती है शुरुआत में। तो दोस्तों, ये थी मेरी राय इस फिल्म को लेकर। अगर तुम देख चुके तो तुम अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फिर यहीं पर रैपअप करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मैं हूँ विवेक और तुम देख रहे हो सिनेमा रिव्यूज़। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।